If I walk at 4 km per hour, I miss my bus at the bus stop by 3 minutes. If I walk at 5 km per hour, I reach the bus stop 3 minutes early. How far is the bus stop from my place? So, देखिए पहले speeds का ratio क्या दिया हुआ है? Speeds का ratio दिया हुआ है initially 4, पहले 4 पे and then 5 पे, ठीक है? अच्छा, ये जो values है, ये सिर्फ ratio नहीं है, ये absolute value भी हैं. The person is actually walking at 4 km per hour and 5 km per hour. Now, bus, उसके घर से लेके, from home to bus stop, the distance is constant. और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो आप अगर स्पीड डबल करेंगे तो टाइम हाफ हो जाएगा. इसका मतलब स्पीड वैरीज इनवर्सली विद टाइम. इसका मतलब अगर स्पीड का रेशियो p इज टू q होगा तो टाइम का रेशियो q इज टू p हो जाएगा. तो वो चीज, तो अगर मान लीजिए स्पीड्स का रेशियो 4 इज टू 5 है तो टाइम टेकन का रेशियो क्या हो जाएगा? 5 इज टू 4. एज अ रिजल्ट हम ये देख रहे हैं कि इट्स अ टाइम गैप ऑफ 1 मिनट. लेकिन अगर आप देखेंगे तो इट्स अ टाइम गैप ऑफ 6 मिनट्स. देखिए बस स्टॉप पे 3 मिनट लेट और 3 मिनट अर्ली. अगर आप ये टाइम गैप देखें तो 3 मिनट लेट होना और 3 मिनट अर्ली होना 6 मिनट्स का टाइम गैप है. सो दिस इज 6 मिनट्स एक्चुअली. मतलब मल्टीप्लायर कितने का है? 6 मिनट का. मतलब जब वो 4 की स्पीड पे चल रहा था तो उसे एक्चुअली कितना टाइम लग रहा था? इनटू 6 30 मिनट्स लग रहे थे. और जब वो 5 की स्पीड पे चल रहा था, देखिए 5 की स्पीड पे चल रहा था तो उसको 4 इनटू 6 कितने लग रहे हैं? 24 मिनट्स लग रहे हैं एक्चुअली. अब आप चाहे ये टाइम यूज कर लीजिए या ये टाइम यूज कर लीजिए डिस्टेंस निकालने के लिए. मैं ये टाइम प्रेफर करूंगा यूज करना क्योंकि इमीडिएटली मैं बोल सकता हूं कि दिस इज हाफ एन आवर, ठीक है? तो अगर कोई आदमी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हाफ एन आवर चलेगा तो वो कितना ट्रैवल करेगा? 2 किलोमीटर. मतलब द डिस्टेंस बिटवीन बस स्टॉप एंड हिज प्लेस इज गोइंग टू बी 2 किलोमीटर. मतलब आंसर ऑप्शन 1. फॉर मोर सच वीडियोस ऑन टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड वेरियस अदर टॉपिक्स डाउनलोड स्पार्क वीडियो बैंक ऐप.